कुछ बेचारे दुख में होते हैं, तकलीफ, सबके पास अलग अलग प्रकार के इमोशंस होते हैं और उन सारे इमोशंस का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, पड़ता ही नहीं पड़ता है ना। हर एक इमोशन, हर एक व्यक्ति जो हमसे मिलता है उसका हमारे व्यक्तित्व के ऊपर, हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अरे अब यहाँ पर कोई संभालने वाली बात है, संभालने वाली बात जो है वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। मेरे टीम में एक मेरे एक कलीग है मेरा गुजरात में, उसको किसी मैनेजर ने एक रात को एक मेल लिख दिया और मेल लिखने के बाद नीचे उसने एक स्टेटमेंट लिख दिया, तो उसको रात को बड़ी परेशानी हो गई। तो बोला सर वो कौन होता मेरे को बताने वाले कि मेरा काम क्या है। बात तो सही है यार, वो होता कौन है उसको करने वाली है, उसका आपका काम क्या है वो बताया, और दूसरे डिपार्टमेंट वाला। तो बोले सर उसको आप सुबह उठकर सबसे पहले सर आप पहुंचो होटल, उसका ऐसा जवाब देने के समझ में आया। ठीक है यार मैं ऐसा जवाब दूंगा तो समझ में आ जाए, है ना। अब मैं रात को पहुंचा मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, अब यहाँ सुबह आया जब मैंने आई टी वाले को उनको बुलाया तो भाई साहब कर दो, तब तक तो उसका मेल अटक चुका था। आपके इमोशंस आप जब किसी से बात करते हो तब भी ट्रांसफर होते हैं, मेल पे भी ट्रांसफर होते हैं, वर्बली भी ट्रांसफर होते हैं। अगर आपने किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजा तो वो टेक्स्ट मैसेज को पढ़कर के वो समझ जाएगा कि आपका इमोशन आपने किस तरीके का ट्रांसफर किया नहीं किया। इवन ये तो आप ऐसी बात कर रहे हो जो दिखाई देती है, टेंजिबल थिंग, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब जो दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती, समझ नहीं बात। अब दिखाई नहीं देती इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां बैठ करके किसी व्यक्ति कोई दूसरे शहर में है उसके बारे में अगर सोच रहा हूं उल्टा सीधा, है ना, तो उसको इफेक्ट होता है, उसको पता है ये दिखाई देता है कि उसको दिखाई देगा नहीं, लेकिन फीलिंग जो है वो जाती है बराबर, इमोशन जो है वो बराबर सही तरीके से जाते हैं, जाते नहीं जाते हैं। हाँ ये तो हुई एक बात। तो दूसरी बात, अगर आप कंटिन्यू उस व्यक्ति से रोज मिल रहे हो जो दुखी है, परेशान है, हमेशा नेगेटिव, हमेशा कंप्लेन, तो गारंटी से बोलता हूँ 5-6 महीने बाद आप भी उसके से हो जाओ, आप भी वही कंप्लेन करने लग जाओ, उसी का प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, याद रखना हमेशा। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ वो ये है कि जब आप जहां पर भी होते हो आपको अपने इमोशंस की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, है ना। तो यहां पर दो प्रकार की चीजें होती हैं, सीधा हाथ उठाओ जरा, ऐसे समझो सीधा हाथ उठा, मैंने ये सीधा हाथ है आपका हमारे सीधा हाथ उठा, सीधा मतलब राइट हैंड, अंदर की समझ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा आपने, जो आज सीखा, क्या नाम है उस कॉन्सेप्ट का नाम, हाइलो। और जब भी लाइफ में हमेशा जहां पर भी हो इसको हमेशा ध्यान में रखो, इसको इंप्लीमेंट करो, समझ में आया। तो आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बच्चे उसका मतलब तो बता, आई लो तो आपने कहा कि आई लो आई लो आई हो ले लो नहीं होता है। देखो आप दूसरी बात समझो, आप अब बात समझने की कोशिश करो, ये जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आग लगा के बुझाने का मजा कुछ अलग ही है ना, आग लगा के बुझाने का मजा कुछ अलग है, अलग ही है। तो मैंने आग लगाई, इनको ये बोल पड़े समझ में आई बात
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब सुनना बड़े ध्यान से और याद सीख लेके जाना, जिंदगी में काम आएगी हमेशा, है ना, लाइफ में काम आने वाली चीजें। मैं तो चले जाऊंगा कल यहाँ से वापिस अपने हवाई जहाज पकड़ के, वो भली है कि अंदर पे ज्यादा घूमने लगा लेकिन ये बातें हैं ना, ये जो थॉट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बहुत मिलियन डॉलर थॉट्स हैं। ये जो मैंने आपके साथ जो जो कॉन्सेप्ट शेयर किया ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लाइफ में, जिंदगी बदलने वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा ध्यान रखना। आपकी जिंदगी की बड़ी से बड़ी समस्याएं इससे सुलझ सकती हैं अगर आपने इसको क्या किया, सुनने से नहीं होता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, होना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो इम्प्लीमेंट करने से होगा, सुनने से नहीं होगा। सुनने से तो आप देखते हो 3 घंटे की मूवी देख के अच्छा लगा, हीरो ने भयंकर ये किया वो किया, 1 हफ्ते बाद मूवी का असर नहीं नहीं, इसको करना पड़ेगा। इफ यू आर रेडी टू चेंज समथिंग यू नीड टू डू समथिंग। इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी मोटिवेशनल किताब पढ़ते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कितना करते हैं, जीरो। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं कि इम्प्लीमेंट कितना करते हैं, जीरो, है ना। आप में से अगर कोई एनसीसी में, तो एनसीसी में परेड ड्रॉप होते जैसे थे वापिस ऐसे हो जाते हैं है ना, एनसीसी में वो कमांड देते हैं जैसे थे तो वापिस वैसे हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना है हमको। क्या है इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, बहुत काम की चीजें हैं, ध्यान से सुनना। अभी दिमाग में किसी और के बारे में मत सोचो, ठीक है, मेरे साथ में सब पक्का मेरे को आना है रिकॉर्डिंग अच्छा ठीक है बुलाना है कि रिकॉर्डिंग में आ जाओ। तो अब हमको थोड़ा इन लोगों ने बांध दिया है, तो मेरा मतलब ये है दो चीज़ें हैं वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट, आपको बहुत सतर्क रहना है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और इसको नाम क्या बोला हमने, हेलो, दो चीज़ें। एक सिटी वो है अ सिचुएशन वेयर यू आर वेरी वेरी हाई इन योर इमोशंस, वेरी हैप्पी, बहुत खुश, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ टर्म योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, बहुत खुश, समझ में आया। और यहाँ से गए घर, घर जाकर के पता लगा वाइफ ने आपकी फेवरेट डिश बनाई खाने के लिए, है ना, समझ नहीं पा, पता लगा आपके बच्चे ने आके आपको सुनाया कि आज मैं क्लास में फर्स्ट आया, समझ लो, पता लगा आप अगर कुछ अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो कहीं करते हो, पता लगा आपका स्टॉक 4 गुना बढ़ गया, सब कुछ अच्छा अच्छा। दिस इज द स्टेज विच इज कॉल्ड वेरी हाई, योर इमोशंस आर वेरी हाई, यू आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आप ऑफिस आए, आपके सीईओ ने बोला अरे यार एससीसी का जो ये यूनिट है ना ये आपके कारण ही चल रहा है, आप ही खुद I understand. Emotions are very high. This is called high. Are you understanding? Yes, sir. This is called high. And you are absolutely 100 out of 100 in your emotions. All happy, happy life. Second situation. आपकी गलती नहीं है फिर भी डांट पड़ रही है। आप ठीक से गाड़ी चला रहे हो, दूसरे वाले ने आके ठोकी और आपको ही बजा दिया। ठोकी भी उसने बजाया भी, ये ठोकी के बाद मेरा मिस्टेक है। हो ना? ड्राइंग वेट तो वहाँ उनकी चीज़ें पड़ रही है। बहुत इम्पोर्टेंट नेवर टेक परमानेंट डिसीजंस फॉर द टेम्पररी इमोशंस, नेवर टेक परमानेंट डिसीजंस फॉर द टेम्पररी इमोशंस, इमोशंस आएंगे और जाएंगे, 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 लेकिन वो डिसीजन लेना है और बाद में हम रिग्रेट करेंगे अरे हम क्या सोच कर बैठे, मेरे को ऐसा नहीं करना था, समझ लो। जब इमोशंस बहुत हाई हो ऑलवेज स्टॉप बिफोर यू कमिट टू एनीथिंग, बिफोर यू डिसाइड टू गिव टू डू एनीथिंग, दैट्स नॉट द नॉर्मल इमोशंस। व्हेन योर इमोशंस आर वेरी हाई
नंबर वन सिचुएशन, नंबर टू सिचुएशन व्हेन योर इमोशंस आर वेरी लो, किसी के ऊपर जी भर के गुस्सा आ रहा है, किसी को मन कर रहा है कि तोड़ दूँ, मोड़ दूँ, कट उठा के फेंक दूँ।